स्टूडेंट्स, आज हम प्लानीमीटर और डिजिटल प्लानीमीटर को देखेंगे और उससे एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं ये भी हम मालूम करेंगे। पहली बात, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये प्लानीमीटर का बॉक्स है। ठीक है, तो ये प्लानीमीटर है जो यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे आपके ये सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन के लिए है, सिलेबस के एतबार से हमको डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में पढ़ना है। तो बहरहाल आपको यहाँ पे ये इसके रीडिंग्स आपको दिखा देता हूँ मैं। मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है। ये जब आप मैप पर घुमाएंगे, आपको पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि प्लानीमीटर से क्या होता है। प्लानीमीटर से हम जो नक्शे हैं, मैप्स हैं, खाके हैं, तो उन नक्शों से, उन मैप से हम एरिया मालूम कर सकते हैं। तो इस प्लानीमीटर का ये है कि हम कैलकुलेशन करने के बजाय नक्शे पर प्लानीमीटर फेर देंगे तो हमको एरिया आ जाएगा। तो ये प्लानीमीटर है। ठीक है, ये प्लानीमीटर जो है आपके सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन के लिए था। अब हम जो डिजिटल प्लानीमीटर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लानीमीटर को फिर भी अपना रख देते हैं। तो ये हमारे पास डिजिटल प्लानीमीटर है, इसका ये बॉक्स है। ठीक है, इसमें डिजिटल प्लानीमीटर होता है जो हमारे पास यहाँ पे मैं रखा हूँ। ये हमारा डिजिटल प्लानीमीटर है। ये काम कैसे करता है ये भी हम देखते हैं। कि एक शीट मैंने ली है जो कि एक क्लोज ट्रैवर्स की है, जो हमारे स्टूडेंट्स जो है किए हैं। तो ये क्लोज ट्रैवर्स का एरिया मालूम करें हैं या एक ज़मीन का एरिया मालूम किए हैं चेन सर्वे से, उसका ये ड्राइंग है। तो हमको करना ये है कि इसको पहले चार्जिंग करना है, जैसा मैं अभी चार्जिंग पे लगाया हूँ। और इसमें यहाँ पे ऑन और ऑफ बटन है। ये ऑन ऑफ बटन को जो है आप प्रेस करना है, तो ये ऑन हो जाता है। ऑन हो जाने के बाद इसमें जो यूनिट्स है, यूनिट्स आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर, ये चाइना के किसी उसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मज़ीद आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। यूनिट टू में देखिए आप है, इंच में है, उसके बाद फिट स्क्वायर में है, हेक्टर्स में है, एकर्स में है। उसके बाद यूनिट थ्री, तो वो जापान या चाइना का लैंग्वेज है, हम समझ नहीं सकते हैं। तो हमारे पास दो पार्ट्स हैं, हमारे पास यूनिट्स में एक मेट्रिक सिस्टम है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, या इंच स्क्वायर, फिट स्क्वायर, या एकर्स। तो इस तरीके से ये हम काम करेंगे। फिलहाल हम इसको, क्योंकि शीट पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए हैं, तो इसको बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम सेंटीमीटर स्क्वायर में रखकर देखते हैं कि ये कैसा करना है। इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर में आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा। इस सर्कल में एक डॉट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये डॉट को, ये हमारा नक्शा है। ठीक है, ये हमारा नक्शा है जो हमारा फील्ड वर्क है, एक्चुअल फील्ड वर्क। तो हम ये एक पॉइंट पे नजर रख देते हैं। ठीक है, इसको जो है अब हम क्या करना है, घुमाना है। इसको जो है घुमाने से पहले आप देखिए, अभी स्टार्ट बटन करना है। ये पहले आप देख लीजिए कि स्टार्ट, ये जो सर्कल है ये हम कहाँ रखे हैं, हम ये कोई एक पॉइंट पे रखें, इसी पे हम डॉट कराएंगे। उसके बाद ये जो रेड बटन है, ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन दबाएंगे। स्टार्ट बटन दबा के पूरा इसको, पूरे पेरिफेरी पे हम घुमाएंगे। हम करते हैं आप स्टार्ट। देख सकते हैं कि सर्कल के एतबार से वो पूरा पेरिफेरी पर घूम रहा है और यहाँ पर रीडिंग भी चेंज हो रही है। जैसा जैसा वो घूम रहा है वैसा वैसा रीडिंग चेंज हो रही है। ये पूरा सिंक्रोनाइज होता है। इसके ये जो घूमने वाले ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो सिंक्रोनाइजेशन है, उसके एतबार से डिजिटल प्लानीमीटर होने की वजह से तमाम एरिया जैसा जैसा घूमना शुरू होता है, एरिया हमको ऑटोमेटिक डिजिटल जो डिस्प्ले है उसमें आ जाता है। तो हमारे इनिशियल स्टेज पर पहुंच रहे हैं। देखिए आप, हम अपने इनिशियल जहां से शुरू कर रहे थे वहां पे हम पहुंच गए। अब क्या एरिया आया, देखिए 210.9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आया।
210.9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया है। अब ये जो एरिया आया है, ये एरिया को अभी इसको हम सेंटीमीटर में ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, जमीन पे एक्चुअल कौन सी स्केल यूज किए हैं वहां पे आप कर देख लेते हैं। 1:1 स्केल यूज किए हैं, 1:1 स्केल यूज किए हैं, इस एतबार से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो स्केल है, इस स्केल के एतबार से देखिए आप, एक हम 1:100 यानी कि 1:100 का मतलब 1 सेंटीमीटर = 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर = 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर² = 1 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से 210 हमारी जो वैल्यू आ रही है, 210.9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर, ये स्केल के एतबार से 210.9 मीटर स्क्वायर ही होता है, क्योंकि स्केल है 1:100, ठीक है, 1 सेंटीमीटर = 1 मीटर। उस एतबार से आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आसानी के साथ आप ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट जो हमारे स्टूडेंट्स किए हैं, उन्हीं का ये एक्सपेरिमेंट है, तो अपने रिकॉर्ड में भी आप चेक कर लीजिए कि कितना आपको एरिया आया है। तो स्टूडेंट्स, अलग अलग यूनिट्स में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि आप स्केल क्या ले रहे हैं, वो एतबार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल प्लानीमीटर है, इसको बस करना ये है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि ये जो इसका सर्कल पार्ट है, सर्कल में एक डॉट पार्ट है, उसको बस आप पेरीफेरी प्लान के पेरीफेरी में जिसका आप एरिया मालूम करना चाह रहे हैं उस पर आप घुमाना है। घुमाने से पहले स्टार्ट बटन दबा देना और क्या यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं वो यूनिट एक बार चेक कर लेना। तो उम्मीद है कि आपको ये डिजिटल प्लानीमीटर समझ में आया होगा, और अगली क्लास में आपसे हम ज़रूर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, थैंक्स।